हम आपको आज बता रहे हैं कि नाग पंचमी के मौके पर आप अपनी कुंडली के राहु और केतु की समस्या दूर कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि राहु और केतु का नाग पंचमी से संबंध क्या है। देखिए, राहु और केतु परस्पर एक दूसरे से 180 अंश पर रहते हैं, परस्पर एक दूसरे के सामने रहते हैं, यानी एक दूसरे से सप्तम भाव में विद्यमान रहते हैं। राहु और केतु को ज्योतिष में सर्प का प्रतीक माना जाता है। राहु को सर और केतु को पूंछ माना जाता है। सर्प के समान होने के कारण राहु और केतु से संबंधित समस्याओं के लिए नाग पंचमी का दिन सबसे ज्यादा बढ़िया है। नाग पंचमी के दिन दोपहर को अगर आप राहु केतु से संबंधित उपाय करते हैं तो इनसे संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं। यानी नाग पंचमी पर अगर आप राहु केतु के लिए उपाय करेंगे तो राहु केतु की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर राहु या केतु का ज्यादा प्रभाव है। राहु या केतु के लक्षण आपके जीवन में कैसे होते हैं, अब ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जल्दबाज हो और उसके जीवन में तमाम घटनाएं अचानक घटने लगें तो समझना चाहिए कि ये राहु केतु का प्रभाव है, क्योंकि राहु केतु वाले हर काम जल्दबाजी में करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति अगर सात्विक भोजन के बजाय फास्ट फूड खाने में रुचि दिखाए, घर का खाना ना खाना चाहे, ज्यादातर बाहर का खाना खाना चाहे, तो समझिए कि राहु केतु का प्रभाव है। व्यक्ति का शरीर रूखा रहता हो, ड्राई रहता हो और व्यक्ति को हमेशा आलस्य रहता हो तो समझिए कि ये राहु केतु का प्रभाव है। अगर कोई व्यक्ति चीजों को हमेशा छिपाता हो और छुप कर काम करता हो तो समझिए राहु केतु का प्रभाव है। अगर किसी व्यक्ति की हथेलियों के बीच में जाल बना हुआ हो, नेट बना हुआ हो, तो भी ये राहु केतु का ही प्रभाव। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।